Girls Obey back again and the topic today I'm going to cover with you all is pseudo reality of social media. Don't worry, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, बट आपको आपकी ही चीज़ों से अवगत कराने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. व्हाट इज द pseudo वर्ड मीन्स ओवर हियर नाउ? समथिंग दैट सीम्स टू बी रियल बट इज फार अवे फ्रॉम रियालिटी. यस, अनडाउटेडली वी कम अक्रॉस अ लॉट मेनी पोस्ट, स्टेट्स, ट्वीट्स ऑन डेली बेसिस प्रोक्लेमिंग अबाउट वेरियस स्कूप्स गोइंग अराउंड, बट हाउ मेनी ऑफ इट इज रियली वर्दी टू बी नोटिस्ड? Let's have a look. Point number one, animal brutality. A lot many of us have seen some sensitive content being flashed on our screens many a times when we see our Instagram stories, in which animals are brutally beaten up, killed, and even sometimes tortured during their mating process. However, it's not a surprise that humans are highly interested into the biological process of others around us. It's good that you have posted something like this to spread awareness. But do you know that it reached to how many people? It's a bitter truth. Only 65% of people are going to swipe it away and move it. 30% are going to sympathize with the situation ki yeah, something is going really wrong. But less than 5% of people are going to empathize with the situation and take some actions. और एक्शंस लेने का मतलब हम आपको किसी को एलिगेशंस लगाने को या किसी को रिपोर्ट करने को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से द पोस्ट माइट गेट डिलीटेड बट द फीलिंग रिमेन्स द सेम. जस्ट सिंपल स्टेप्स लाइक इन अ डे फीड वन डॉग और एनी अदर स्ट्रे एनिमल इन योर लोकैलिटी. यस, यू वोंट बी रिवॉर्डेड फॉर इट, बट द इनर सैटिस्फैक्शन इज इटसेल्फ अ रिवॉर्ड. एंड मोर ओवर विद टाइम यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ स्पेशल बॉन्ड विद दिस क्रीचर्स. पॉइंट नंबर टू, the recent celebrity suicide case. The recent celebrity suicide case is an eye-opener to us and shows that how toxic the whole thing can be. The term mental illness popped out of a sudden and then disappeared eventually, which actually came into the existence back in 18th century, but nobody cares until you are gone. हाँ, बंदे ने खुद तो कुछ नहीं बोला, पर दो घंटे बाद लोगों ने जबरदस्त बोला. वाइवा वॉइस के टाइम पे क्या हो जाता है तुम लोगों को? एजुकेशनल अथॉरिटीज ने वाइवा के साथ वॉइस लगाया ही इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है हमारी नहीं निकलनी. एनीवेज, लुकिंग एट द होल सिचुएशन द कंक्लूजन इज नेपोटिज्म शुड बी बैंड. वेट, व्हाट एंड व्हाई दिस आरआईपी जस्ट रेस्ट इन पीस? मूविंग फर्दर, सीबीएसई अनाउंस्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th रिजल्ट्स अ फ्यू डेज अगो. एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जो अभी अभी ब्लैक होल को छूकर वापस आए हैं, बट हम एक्चुअली बात मीडियोकर या एवरेज सेक्शन के स्टूडेंट्स की करने वाले हैं. तो अब तक तो योर फोन माइट हैव बीन फ्लश्ड विद मैसेजेस लाइक, डूड तेरी मार्कशीट नहीं डिसाइड कर सकती कि तू क्या करेगा, इट्स योर एफर्ट दैट मैटर्स. एक मार्कशीट नहीं डिसाइड कर सकती कि तेरा फ्यूचर क्या होगा, विच वर एट स्टार्टिंग लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट कम्पीट यू आर लाइक अ ब्रोकन नेक, नोबडी गिव अ डैम इफ यू केम सेकेंड. This is the last chance. Put the medal on the pedal and create history. To be honest, nobody is interested in your history until and unless you are a stand-up comedian. तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. Putting some cute and healthy pictures of animal is very good, but is it applicable to each one of them? Is this the love and concern required? Obviously, dude, तेरी मार्कशीट नहीं डिसाइड कर सकती कि तेरा फ्यूचर क्या होगा, but हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज स्टिल की टू सक्सेस. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने पर आपको कोई जॉब ऑफर नहीं करने वाला. अंडरस्टैंडिंग दैट नोबडी इज गोइंग टू शेयर देयर इमोशंस विद यू जस्ट बिकॉज यू पुट अ 24 आवर स्टोरी की दैट आई एम देयर फॉर यू. एंड प्लीज, मेंटल इलनेस डजंट डिस्क्रिमिनेट या, इट्स एन इमरजेंसी एंड नॉट अ लग्जरी ऑप्शन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द पीपल हु कैन अबैंडन दिस टॉक्सिक एनवायरमेंट एंड हेट्रेड अराउंड अस. बट हमें फुर्सत ही कहाँ है फालतू की क्रिंज कंटेंट शेयर करने से, सेक्सुअलिटी पे बात करने से, लोगों की लाइफ डिस्कस करने से, बेसिकली टाइम वेस्ट करने से. यार ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है, हज़ारों चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन करना ज़रूरी है या किया जा सकता है, बट नहीं, इस देश में हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है. ऐसा नहीं कि अच्छाई है नहीं या अच्छा हो नहीं रहा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उन अच्छी चीज़ों तक पहुँचे, अच्छी चीज़ों को ढूंढ कर रहे हैं.
तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी सेंस लगता है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्प्रेड सम अवेयरनेस. थैंक यू वेरी मच.